आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी ऑल क्वाइट वेल एंड विश यू सो। आई एम आल्सो वेल इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मी मिराज ज़हूर योर इंग्लिश टीचर एंड विल टीचिंग यू इंग्लिश टूडे। Yesterday we learned the letter M. Yesterday we learned the letter M and we also learned their sound. Today we are going to learn the letter N. Today we learn the letter N. Students, आज हमारा जो topic है वो है letter N. क्या है? Letter N. आज हमने जिस लेटर की फॉर्मेशन, साउंड्स और उसकी स्पेलिंग सीखने हैं वो है लेटर एन। लेट्स वी मूव टू द टॉपिक। डियर स्टूडेंट, अब हम सीखेंगे कि लेटर एन की साउंड क्या है। सब बच्चे मेरे साथ मिलके इसकी साउंड बोलें। एन का साउंड क्या है? क्या है एन का साउंड? अब हम एन से कौन कौन से वर्ड्स बनेंगे वो पढ़ते हैं। एन फॉर नेल, एन फॉर नेल, एन फॉर नॉर्थ, एन फॉर नेकलेस, एन फॉर नेट, एन फॉर नर्स, एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नाइन, एन फॉर न्यूज़पेपर, N for nose, N for needle, N for ninja. Dear students, N का sound क्या है? दोबारा से मेरे साथ revise करें। N का sound है अब हम N की sound के साथ और spelling के साथ इन words को पढ़ते हैं। N a nail, N a i l nail. N a north, N o r t h. N a net, N e t net. N a necklace, N a necklace. Necklace की स्पेलिंग पढ़ें। N e c k l a c e. N a nurse, N a nurse, N U T S, N a nine, N a nine, N I N E, N a newspaper, N E W S P A P E R, N a nest. Students, क्या मैं पढ़ रही हूँ? N a nest, चले मेरे साथ मिलके रिवाइज करें। N a nest, N E S T, nest. N a ninja, N a ninja, N I N J A. N a nose, N a nose, N O S E nose. N a needle, N a needle, N double E D L E needle. Dear students, I hope कि आपको letter N की sound और letter N से जितने भी words बनते हैं वो spelling के साथ अच्छे से याद करने आ गए होंगे। अब हम अपने next process की तरफ बढ़ते हैं जो है formation। आज हम letter एन की फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन इससे पहले क्या करेंगे कि हम अपने लाइंस और स्ट्रोक्स को रिवाइज करेंगे। सब मेरा साथ दें। सबसे पहले क्या है? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, आफ्टर देन सर्कल, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, डाउन कर्व, अप कर्व एंड हुक। स्टूडेंट्स, चलें रिवाइज करें दोबारा से। लाइन्स और स्ट्रोक्स कौन कौन से हैं?
स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, सर्कल, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, डाउन कर्व, अप कर्व एंड हुक। अब हम अपने लेटर की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो लेटर है जिसकी हम फॉर्मेशन करेंगे लाइंस के अकॉर्डिंग, वो कौन सा है? अपर केस लेटर एन। क्या है आज मेरा टॉपिक? क्या है? लेटर एन। सब मेरे साथ मिलके रिवाइज करें, अपर केस लेटर एल। अब हम इसकी फॉर्मेशन को सीखते हैं। स्टैंडिंग डाउन, स्टैंडिंग डाउन, राइट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्टैंडिंग लाइन एंड अप स्टैंडिंग डाउन मेक्स अ लेटर एन। चलें स्टूडेंट सेकंड टाइम आप मेरे साथ मिलके दोबारा से पढ़ें। एन की फॉर्मेशन क्या होगी? स्टैंडिंग डाउन, स्टैंडिंग डाउन, राइट स्लैंटिंग लाइन एंड अप स्टैंडिंग डाउन मेक्स अ लेटर एन। क्या है लेटर एन की फॉर्मेशन? स्टैंडिंग डाउन, राइट स्लैंटिंग लाइन एंड अप स्टैंडिंग लाइन मेक्स अ लेटर एन। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको लेटर एन, लेटर एन की साउंड, लेटर एन की फॉर्मेशन लाइंस के अकॉर्डिंग अच्छे से आ गई होगी। आप इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस करें ताकि लेटर आपको मज़ीद अच्छे से याद हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर के अख्ताम एक अच्छी बात से कर रही हूँ कि योर लाइफ हैज़ पर्पस, योर स्टोरी इज़ इम्पोर्टेंट, योर ड्रीम्स काउंट, योर वॉइस मैटर्स, यू वर बॉर्न टू मेक एन इम्पैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, कल एक नए लेटर के साथ मेरी और आपकी दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।